हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज मैं आपको एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड अभी भी बड़ा है और आगे जाके और बढ़ सकता है। और ये एक पेनी अभी फिलहाल स्टॉक है और आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। चलिए हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए, ये कंपनी है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये कुछ सालों में काफी अच्छा मीन्स इसका ग्रोथ आया है और आने वाले समय में काफी अच्छा ये रिटर्न दे सकता है। ये बनाती क्या है मैं बता देता हूँ। ये प्रोपिलीन, ग्लाइकोल एंड पॉलिकॉल्स पॉलीऑयल्स बनाती है। ये काम कहाँ आता है, जहाँ पॉलिशिंग के लिए मीन्स लकड़ी है तो उसे पॉलिशिंग के लिए काम आता है। अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल्स में काम आता है, पेंट्स और कोटिंग्स में, फार्माक्यूटिकल्स में काम आता है। ये मीन्स पॉलिशिंग के लिए काफी अच्छा मीन्स हर जगह मीन्स काम आता है और इसकी डिमांड काफी अच्छी धीरे धीरे बढ़ रही है। और 39.45 पे अभी फिलहाल चल रहा है, इसका लो 30 रुपीज का है और 49.40 का इसने हाई मारा है। चलिए मैं इसका चार्ट दिखा लेता हूँ। ये देखिए, हाई इसने मारा था अप्रैल मई में करीब 49.40 का और लो इसने अगस्त के टाइम 30 रुपए का बनाया था। उसके बाद फिर से ये अच्छा खासा चढ़ा है और लो फिर से इसने बनाया था लगभग 32-33 रुपीज का। तो वापिस ये मीन्स रिजल्ट, इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद ये फिर से ग्रो कर गया है 39 रुपीज के करीब। तो इसका मैं आपको मार्केट कैप दिखा लेता हूँ, 679 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और डिविडेंड भी इसने दिया है 10% का लगभग। और प्राइस टू बुक 2.18 का है, फेस वैल्यू 5 रुपए का है। इसके मैं फाइनेंशियल्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। ये देखिए, इसका जो नेट सेल्स आया था 162 मीन्स लास्ट 4 क्वार्टर से इस दिसंबर क्वार्टर का इसका रेवेन्यू बढ़ा है और जो नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। मीन्स 50% की ग्रोथ आई है। 17.20 करोड़ की इनकी प्रॉफिट है। लास्ट टाइम सितंबर में 9 करोड़, उसके पहले 2 और 4। और इसके जो डेप्थ है काफी कम है, 17 करोड़ के करीब है, डेप्थ भी काफी कम है। और असेट 340 करोड़ की है। मीन्स आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बढ़ रही है तो इसे भी काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और धीरे धीरे मीन्स जिस तरह से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप सोच सकते हैं ये आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। अगर आप इसे लेकर 3 से 4 साल होल्ड करते हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से डबल ट्रिपल भी हो सकता है। अभी आज 39 के करीब चल रहा है, मीन्स आप कम से कम 70-80 रुपीज इसका 2-3 साल में पकड़ के चलिए। और इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 44.82 का है और बाकी पब्लिक और FIIs के लिए है। तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड के चढ़ते ये काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकता है। अगर मार्केट करेक्ट होता है तो लगभग 35 के करीब अगर आपको मिलता है तो काफी अच्छा ये बेहतरीन स्टॉक अच्छे रेट पे मिल जाएगा। 35-36 पे मिलता है तो आप कुछ स्टॉक लेके रख सकते हैं। और हाई इसने लगभग 50 के करीब बनाया था तो मीन्स 35 के करीब लेने मिले काफी अच्छा रेट पे मिल सकता है और आगे जाके ये मल्टीपैकर बन सकता है और 70-80 रुपीज का 2 साल में आराम से ये अचीव कर सकता है। और काफी एक्सपर्ट्स का भी कहना है ये इजीली 40 फिलहाल क्रॉस कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो रिटर्न तो अच्छा देगा ही, डिविडेंड भी दे ही रही है कंपनी। तो मेरे हिसाब से ये मल्टीबैगर स्टॉक है। आप कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, अगर आपको थोड़े लेने तो थोड़े स्टॉक ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी रहते हैं तो 20-30% का लगभग 6 महीने में तो इजीली दे ही सकता है ये रिटर्न्स। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।